Can I take a bite? Can I take a bite? Okay. Can I take a bite? No. क्या है भाई सुमरा, बड़ा गुस्से वाला हो गया है. वेलकम बैक टू अवर चैनल. सुबह तो देख लो आज ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जादू. अभी तक क्या हुआ है सुबह सुबह इसको इतना? अभी तक तो ठीक ही थी, अभी आप बाहर आई अंदर से ना तभी ससुर. चलो 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 अंदर बैठेंगे, चलो सब आएंगे, सब चलेंगे अंदर. चलो 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 कॉफी पियेंगे, कॉफी पियेंगे. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल. मेरा है आज भोपाल, एक्चुअली डे वन, और मैं उठ गया हूँ. अभी बज रहे हैं सुबह के 7. नई जगह है तो एकदम से नींद नहीं आई मुझे, और मैं सुबह सुबह और जल्दी उठ गया. अब बनाऊंगा अपनी कॉफी, और थैंक गॉड कि मैं अपनी कॉफी लेके आया था, क्योंकि यहाँ पे नेस्कैफे वाली कॉफी अब मेरे को ज्यादा पसंद नहीं आती. अब जो मैं पीता हूँ वही पसंद आती है. संभावना ने बैग में डाल दी थी ये कॉफी, देख के मेरी जान में जाना ये कि मेरे पास पड़ी हुई है. तो फटाफट पहले मैं अपनी कॉफी बना लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल. सुबह का दिन है, मैं तैयार हूँ. अविनाश है नहीं, जिसको मैं बहुत ही मिस कर रही हूँ. अविनाश से मेरी बात हुई थी वीडियो कॉल पे, अभी एक्सरसाइज वगैरह करके खत्म किया और अभी वो शूट पे जा रहा है. मैं अपने जीवन का क्या करूँ फिर पता नहीं है. आई एम मिसिंग हिम, और मैं मिस इतना करूंगी कि मेरे को लग रहा है मैं ब्रेकफास्ट भी, अविता मेरे को पूछ रही है सुबह से ब्रेकफास्ट क्या खाओगे. मेरा मन ही नहीं कर रहा मेरे कुछ खाने का मन. ये प्यार है क्या? घंटा ब्रेकफास्ट करने का मन क्यों नहीं कर रहा है मेरा? अमिता तूने खा लिया क्या? तूने क्यों नहीं खाया? मैंने तो नहीं खाया, तूने क्यों नहीं खाया? अच्छा मैं नहीं खाऊंगी तो तू भी भूखी रहेगी. अरे 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 इतना प्यार, झूठी ना हो तो. इनको देख लो, इनका प्यार ही नहीं खत्म होता है. आओ. सोच रही हूँ आज थोड़ा वहां जाके ब्रेकफास्ट करूँ क्या. चल ब्रेकफास्ट करके आते हैं. चल मैं अकेली क्यों जाऊँ, तू भी चल. चल अमिता इसको लेके चल. चलना चलना आप अकेले चले जाओ. चल आ जा, थोड़ा खा के आते हैं, पहले खिड़की बंद कर. चल तो अमिता रेडी हो गई है मेरे साथ जाने के लिए. सोचेंगे तो निकल नहीं पाएंगे, इन कुत्रियों को छोड़ के ना निकल नहीं पाएंगे. फटाफट जाते हैं, फटाफट आते हैं, मिलती हूँ आपको. दोस्तों मैं हो गया एकदम नहा धो के रेडी, वर्कआउट भी कर लिया है, बहुत सारी चीजों का वीडियो बना नहीं पाया, लंच भी कर लिया है. अभी बज रहे हैं 12:30 और मैं निकल रहा हूँ अपने शूट के लिए. पता नहीं शूट पे कितना मैं व्लॉग कर पाऊंगा, वैसे तो नहीं कर पाऊंगा डेफिनेटली, जो भी हो पाएगा वो व्लॉग जरूर करूंगा, और वरना फिर शूटिंग खत्म होने के बाद तो मैं आपसे मिलूंगा ही. तो जी तैयार मैं हो गई हूँ. अमिता मेरी दवाई ले ले, दवाई खा लूंगी और चल निकले. बच्चियों बिल्कुल रोले रप्पे नहीं बने, घर पे आराम से बैठो. किथे है तू? स्पेशली कुड़ी है बड़ा ध्यान नाल बैठी तू ना माई यानी तू बहुत खलेरा पांदी है. बैठा थे, चल बैठा, आ रहे हैं. फाइनली मैं अमिता के साथ डेट पे जा रही हूँ. मैंने तो अपने लिए कॉफी मंगा ली है. ये रही, ये कुछ नहीं पी रही है, कह रही है ना मैं गर्म पीऊंगी ना मैं ठंडा पीऊंगी. चाय नहीं, कुछ नहीं चाहिए. तो मैंने अपने लिए एग ऑर्डर कर दिया है, अकूरी, ये पारसी डिश होती है, आपको पता है इधर आती हूँ मैं ये जरूर खाती हूँ. और इसके लिए कुछ सैंडविच वगैरह ऑर्डर किया पनीर का. अभी मैं देख रही हूँ कि मुझसे कब बात करना शुरू करती है. क्या हुआ, बात तो कर रही हूँ. कहाँ कर रही है? नहीं कर रही हूँ. नहीं अभी क्या बोलूँ. दोस्तों मैं आज आपसे बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ. देखो एक व्लॉग डाला था द फाइनल अपडेट अबाउट माय IVF. मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत बार लाइक करती हूँ, कई बार लाइक नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कमेंट्स में मोस्टली पढ़ती हूँ लोगों के. और उसपे आप में से बहुत लेडीज ने मुझे लिखा था दैट व्हाई डोंट यू ऑप्ट फॉर सरोगेसी. तो आपको आज इसका जवाब देती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वी डिड ट्राई फॉर सरोगेसी, वो भी हमने ट्राई कर चुके हैं, वो ट्राई हमारा फेल हो चुका है. ये बात हम लोगों ने इस बारे में कभी इसलिए नहीं की क्योंकि इतना मुझे रेलिवेंट तब नहीं लगा, लेकिन अब जब आप लोगों को लगता है कि वो सरोगेसी क्यों नहीं ट्राई की, तो अब एक और बहुत बड़ा रीजन है ये बताने का, क्योंकि अब सरोगेसी ट्राई करना भी चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज बैंड, इट इज इलीगल इन इंडिया. ये जो मैं ये बड़ा हैरान थी कि बहुत लोगों ने जब मुझे सरोगेसी का ऑप्शन लिखा तो कैसे उन लोगों को ये नहीं पता कि सरोगेसी इलीगल है, समय बंद हो चुकी है. बाहर इट इज पॉसिबल, लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बता देती हूँ कि बाहर ये बहुत एक एक्सपेंसिव वेंचर है. ये जो पूरा प्रोसेस है ना, लाइक मैंने मेरे जो IVF करा के रखा हुआ है वो यहाँ करा के रखा हुआ है इंडिया में. अब वो अगर आपको बाहर जाके करना है, मे बी से दुबई या फिर कहीं बाहर या जो भी कंट्रीज में आप जहाँ पे भी ये ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से वो एम्ब्रियोज वहां कैसे लेके जाया जाए, क्योंकि आई डोंट थिंक
हमारे डॉक्टर के पास ये वाले फैसिलिटीज हैं कि वो वहां पे, और वो देंगे भी कि नहीं देंगे कि ये भी मुझे पता, आई नीड टू चेक ऑन दैट। फिर मुझे पहले तो ये फाइंड आउट करना कि कहाँ पे होती है ये सरोगेसी, वो फाइंड आउट करना, ये एक बहुत बड़ा तामझाम है। यू ऑल ऑल्सो कैन हेल्प मी आउट, मे बी अ लॉट ऑफ थिंग्स आई डोंट नो विच यू माइट नो एंड यू कैन टेल मी एंड यू कैन हेल्प मी। सरोगेसी बिकेम लाइक अ बिजनेस इन इंडिया, सो वी डोंट इवन नो कि वो जो पैसा जा रहा है वो जा किधर रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि ये एक बिजनेस बन गया था इंडिया में और इसको बैन कर दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक बार सरोगेसी ट्राई की हुई है और वो फेल हो गई। वो किस रीजन से हुई? डॉक्टर्स दे डोंट गिव यू एनी रीजन, यू डोंट इवन नो कि वो क्यों फेल हुई। अब आप बाहर जाके जब ये कराओ, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्वड कि इस समय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आप सरोगेसी का सोचते हो, जब आप बाहर जाके ये सब कराओगे, ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। और मैं यहाँ से मतलब फिजिकली यू हैव टू बी देयर एंड यू नीड टू नो हु द सरोगेट इज, उसकी हेल्थ कैसी है, बिकॉज यू नीड टू कीप अ चेक ऑन दैट। तो इतनी सारी चीजें देखने के लिए पहले तो आपका सही होना जरूरी है, उस जगह पे प्रेजेंट होना जरूरी है। तो क्या मैं ये खुद लूं? ये पॉसिबल नहीं है अकेले। और ये ना ये डिसीजन ऐसा नहीं है कि चलो गए करा लो हो गया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कि आपका मेंटली फिजिकली एक ये बड़ा एग्जॉस्टिंग प्रोसीजर भी होता है कि यार आपकी लाइफ, दूसरे की लाइफ और बहुत सारी लाइफ की और अदर चीजें इसमें इन्वॉल्व है, क्या आप वो ले पाओगे? वी डोंट नो। If you know the answer, please help us out. ये कहाँ कराना possible है और ये कब possible है? क्योंकि हम सबको मालूम होना चाहिए कि ये possible इंडिया में नहीं है। अगर होता तो मैं definitely कराना चाहती इसको। So this is all I wanted to share about surrogacy. Update मैंने आपको दिया हुआ था। I'm still working on my mental health also. और मुझे ना मैं बहुत appreciate करती हूँ आप लोगों को जिन्होंने मेरे को ऐसा हमेशा लगता था कि यार मेरी कोई fan following ऐसी है नहीं। मतलब I was the most hated person on not on YouTube. But on social media, but the kind of love that I got from you guys, उससे ना मेरे को, मैं इतना इमोशनल भी हो जाती हूँ, मेरे ऐसे इमोशंस निकलते हैं। तो आप लोगों को ना मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं आपके आज ये वाले प्यार के मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स, तो आपको ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है और मैं बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ। मैंने कभी भी अपने आप को कोई सेलिब नहीं समझा, प्यार करने के लायक हो, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। तो ये छोटी सी चीज थी जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इस चीज के बारे में आप लोगों को और क्या क्या मालूम है। जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ और बस करना चाहती हूँ। करने वाले की हार नहीं होती है और बोलने वाले की भी नहीं। तो मुझे लगता है कि जितना अब मेरे को मौका मिला है ना, क्योंकि अविनाश नहीं है, मैं खूब बोलूंगी। मुझे देखती हूँ कौन रोक सकता है। मैं बोलूंगी और बोलूंगी बोलूंगी, मुझे रोकना मत। और मेरे को अभी तैयार होकर निकलना है हबीबी के घर और सोच रही हूँ कि आज कैंडू मामा को लेके जाऊँ अपने साथ। तो कैंडू को भी लेके जाऊंगी। अमिता कैंडी की ना फ्रॉक निकाल दे, सिर्फ कैंडी को लेके जा रही हूँ, बिकॉज आई कांट हैंडल एवरीबॉडी। यहाँ पे गई, यहाँ पे हेलो 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 हाय। इनके फ्रेंड का बर्थडे था। आई विल कम हियर। अपना हेयर स्टाइल तो दिखा दो, अभी कौन बना रहा है आपके हेयर स्टाइल? कम हियर। मेरी गुड़िया भी कम नहीं है, मेरी गुड़िया भी कम नहीं है। अभी भी आ जाओ, दोस्ती करेंगे। अच्छा, ये फ्रेंड के बर्थडे से आ रहे हैं, बताओ। ये बर्थडे मना के आ रहे हैं, वो छुपा हुआ है वहाँ पे। ओ जी, हमसे मिल लो, हमारा हेयर स्टाइल देख लो। ये देखो हेयर स्टाइल देख लो जरा इसका। ये देखो ये कौन बना रहा है, आप बनाती हो हैं? हम पार्टी से आए हैं तो हम अच्छे दिख रहे हैं एकदम। वही मिले बाबा, वही मिले बाबा। देखो लुक्स सो प्रिटी। ये लड़की के भैया शौक है सिमरा, मानना तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। गाइस गाइस गाइस, अच्छा मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, ये जो इसके पापा है ना हबीबी अलबी के, वो गजबी आदमी है। ये देखो इनकी पॉपकॉर्न चेयर बनाई हुई है यहाँ पे, ये नया एडिशन हुआ ना। देखो हबीबी अलबी, हबीबी अलबी। और ये, अरे यार पूरी बीन बैग वाला बनाया है, दिस इज सो क्यूट यार। यू गेव मी अ वेरी गुड आइडिया यार। ये मुझे शिथिया, इधर आ जा, आ जाओ आ जाओ। अरे लुक एट हर सिमरा, कम है बाबा, इधर आ जा, आ जा मामा, आ जा, कम कम कम। वो बैठना चाह रही है, बैठना चाह रही है वो। वो कितनी खुश है, तुम देखो। वो आया देखने की मेरी जगह किसने ली है। She's very happy, she's calling me. Just see this. She is so excited कि मम्मा मेरे को लेके आई है, बाकी सबको छोड़ दिया, तो she's very happy. खाने को दे दो, मेरे को खाने को दे दो, भूखी लगी है मम्मा को, है ना? आज बाबा खा लो। हमारे कुत्ते हैं, जैसे ही मिलता है कुछ फटाफट चबा जाते हैं। और ये देखो, अच्छा लीनो ने भी ले लिया है। ओ
भाई मेरे से तो नहीं लेगा ये। आओ भाई, ये रहो ये रहो, लिया भाई लिया इन्होंने। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बालकनी में बैठी हुई हूँ, इतनी अच्छी वाइब है। मैं आपको दिखाती हूँ जरा, दिस इज समथिंग आई रियली लव्ड। आई मीन अगर मुझे इस ऐसे में चाय मिले, ऐसे में चाय सर्व हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। विद अ लिटिल बिट ऑफ यू नो, छोटी मोटी कुकीज, ये सब, ये मेरे बहुत प्यारे प्यारे शौक हैं जो कि मुझे ये मेरे यहीं आके पूरे होते हैं। मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव कम हियर, एंड ये जो वाइब है ना घर की भाई, बहुत अलग है, वेरी पॉजिटिव, और शी इज दैट टैलेंटेड। हाउ आई विश मैं आपको जब भी मिलवाऊंगी ना, यू विल नो, इनको मिलते ही अब घर ही देख लो तो समझ जाते हो आप। ये ना ये सारा सोच विचार तुम्हारा ही हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है। दिस कैंडल लाइक ऐसे कैंडल है ये देखो, हाय राम, मैं इसको वेस्ट होते हुए नहीं देख सकती, इसको बंद कर दो। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ग्रेट टाइम हियर, बहुत मजा आया। अब बच्चे अपना अपना खाना खा रहे हैं, कैंडी मेरी खा चुकी है, मेरा आराम से डन हो गया। ये मेरा कैंडू बाबा आ गया यहाँ पे और मैं निकल रही हूँ अब घर के लिए, और आपको मिलेंगे कल। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। बेटा बाबा, ये क्या हुआ भाई, इतनी खुशी किस बात की है, इतनी खुशी किस बात की है। आ गया हूँ रूम में शूटिंग खत्म करके, और बज रहे रात के 3। शूट खत्म हुआ, सीधा रूम में आया, कपड़े चेंज किए, और सो सॉरी ज्यादा व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि पता है शूट पे तो व्लॉग कर ही नहीं सकता मैं, मुझे अलाउ नहीं है कुछ भी दिखाना। लेकिन कोशिश करूंगा कि जिस दिन भी मेरा जल्दी शूट खत्म हो या कुछ और हो, तो मैं आपको जहां पर शूट करना है उस सिटी के बारे में कुछ दिखाऊं, या घूमने निकलूं, या अलग अलग जगह के खाने खाऊं, जगह देखूं नई नई, और आप लोग को भी दिखाऊं। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। रूम की हालत देख रहे हो कैसी हो रखी है, देखो ये देखो ये देखो, तो ठीक कर देता हूँ।